खाद के सामान जो है वो सारी चीजें जो है महंगी हो चुकी है, जुताई से लेकर के आपका खुदाई से लेकर के आपका रसोई से लेकर के हर एक चीज जो है महंगा हो चुका है, रोपनी से लेकर के हर एक चीज जो है खेती बाड़ी से लेकर के स्वाभाविक रूप से जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से हर चीजें जो है महंगी होती है। लोग परेशान हैं, कोरोना की वजह से दोहरी मार पड़ी है लोगों को, कुछ लोगों का नौकरी छूट गया, कुछ लोग जो है वेबसाइट जिन्होंने कर्ज लेकर के दुकान खोला उनका दुकान ठप पड़ गया, हर एक तरीके से लोग जो है परेशान हैं। तो सरकार को मानसून सत्र चलने वाला है, आज से पार्लियामेंट शुरू है, हमको लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं सरकार उसको एड्रेस करे और जवाब दे कि भाई ऐसे क्यों महंगाई हो रहा है। शराब का सेवन करते हुए बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए हैं और शराब के सेवन से बेतिया में मौत भी हुई है। जहरीली शराब में भी मुखिया गिरफ्तार, जहरीली शराब से लगभग 16 से 17 लोगों की मृत्यु हुई है जो कि निंदनीय है। जो लोग कहते हैं सुशासन का दावा देते हैं कि शराबबंदी सफल है, साफ साफ जीता जाता उदाहरण है कि बार बार, ये कोई पहली घटना नहीं है शराबबंदी के बाद की जहरीली शराब से जो है लोगों की मौतें हुई, बार बार जो है सुशासन का पोल खुल रहा है। लेकिन सुशासन बाबू जो है, सो कॉल्ड सुशासन बाबू, वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं ना कि जनता की चिंता कर रहे हैं। जनता दरबार पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। जनता दरबार इनका थोड़ी ना लगा है, इनका तो खाली दिखावटी और नौटंकी जो कह सकते हैं कि लोगों में चला। आम जनता जो लोग फरियादी जो लोग हैं वो बेचारे गरीब गांव देहात के लोग क्या रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं, और जितना ये खर्चा हो रहा है, मान लीजिए 5 लोग को लाया जा रहा है तो 11-12 अधिकारी आ रहे हैं, उनके रुकने का खर्चा हर एक चीज तरीके से। तो जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खुला रहना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।